हेलो भाई, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रजवाड़ा स्टाइल कॉटन डोरिया की साड़ी कैसे वियर करते हैं। तो ये है रजवाड़ा स्टाइल। ये देखो, ये फाल नीचे की साइड है और ये मैंने साइड से लपेटना शुरू कर दिया है। और साड़ी को हमेशा जो हमारी डोरी बनती है उसी के साथ से चारों तरफ लपेटें। देखो, ये साड़ी थोड़ी सी ही दब रही है मेरे जितना बॉर्डर है। अगर दो आंगुली ही दब रही है, अगर साड़ी बड़ी होती है तो बॉर्डर से जितना फोल्ड हो जाए उतना ही दबता है, लेकिन इसमें थोड़ी स्पेस है तो थोड़ा ही दब रहा है। और ये देखो, पीछे से मैंने अच्छे से दबा दिया है। और ये साड़ी हम बांधेंगे जो राइट साइड प्लेटों का खुला फेस हो। प्लेट्स जब हम उल्टे पल्ले की साड़ी पहनते हैं तो प्लेटों का फेस खुला लेफ्ट साइड होता है, बट इसमें राइट साइड होगा। और ये मैं हमेशा साड़ी का पहले पल्लू जमाती हूँ, क्योंकि पल्लू जमाने के बाद साड़ी को हम परफेक्ट तरीके से वेयर कर सकते हैं। तो ये मैं कंधे वाली प्लेट से जमाने लग रही हूँ। और ये देखो, प्लेट्स मेरी जम चुकी हैं। और जो ऊपर की प्लेट है वो थोड़ी सी बड़ी रखते हैं तो बहुत अच्छी प्लेटें जमती हैं। और ये मैं डालूँगी अब प्लेट्स। मैंने उसमें तैयार करके पिन लगा के रख दी है और अब मैं प्लेट्स डाल रही हूँ, जो नीचे वाली फ्रंट की प्लेट होती है वो वाली। और अब हम, क्योंकि ये है जो रजवाड़ा स्टाइल में साड़ी बनती है, वो आगे की साइड पल्लू आगे की साइड आता है, और जो उल्टे पल्ले की साड़ी वेयर करते हैं उसमें पल्लू पीछे की साइड जाता है। तो इसमें देखो, ये मैंने यहाँ पल्लू में नीचे पिन लगा ली है। और पल्लू अपने हिसाब से रखें, जहाँ आपको सर पर ओढ़ना हो तो पल्लू थोड़ा बड़ा रखें, पल्लू थोड़ा छोटा रखें। और आप अगर आपको सर पर नहीं डालना हो तो पल्लू बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ मैं सर पर नहीं डालूँगी, तो पल्लू मैंने हिसाब से रखा है। और अब मैं ये पूरी प्लेट्स, क्योंकि नीचे का हमें आगे की साइड निकालना है, जो नीचे की सबसे नीचे का हिस्सा है वो हमें साइड में निकालना है। और ये मेरी प्लेट्स जम चुकी हैं। ये देखो, पल्लू बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया है। यहाँ मैं एक पिन की सहायता से सिक्योर कर लूँगी। और अब नीचे के हिस्से को हम बाहर की साइड निकालेंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि पीछे तक अच्छे से, क्योंकि पल्लू सिर पर नहीं डालना, तो थोड़ा सा आगे की साइड हम बढ़ाए रखेंगे। और उसी हिसाब से मैं इसको सेट कर रही हूँ, और सेट हो ही चुका है लगभग। अब यहाँ मैं अपनी सेफ्टी पिन की सहायता से सिक्योर कर दूँगी इसको। ये है सेफ्टी पिन। और यहाँ मैंने टेम्परेरी ऊपर से ही लगाई है, नीचे से पिन नहीं लगाई है, क्योंकि नीचे से लगाने में काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि बॉर्डर में ना पिन बहुत मुश्किल से लगती है, टाइट बॉर्डर होते हैं। लेकिन खैर, इस साड़ी का ऐसा बॉर्डर नहीं है कि टाइट है, इसका बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। और अब नीचे की प्लेटें, हम जो फ्रंट में प्लेट्स होती हैं वो हम जमाएंगे। तो इसमें मैं सोच रही थी कि लेफ़्ट साइड से प्लेट डाल लूँ, बट लेफ़्ट साइड से इसमें पल्लू खिंच रहा था, इसलिए मैंने राइट साइड से ही प्लेट डाली है। और फिर प्लेट्स का मुंह, ये देखो, हम किधर से भी डाल सकते हैं। अगर आपको उधर से लेफ्ट से बेटर लगे उधर से डाल लो, अगर राइट हैंड आपका ज़्यादा काम करता है तो इधर से भी डाल सकते हैं, बट मैं राइट हैंड से ही डालूँगी। ये देखिए, क्योंकि मेरा राइट हैंड ही काम करता है। और जब प्लेट्स हम आगे की साइड डालते हैं तो हमारी इस जो रजवाड़ा स्टाइल होती है, इसमें हम प्लेटों को अच्छे से प्रेसिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल फुली फुली सी साड़ी रहेगी तभी बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए ये, और बिल्कुल सारी प्लेटों को हम बराबर भी नहीं रखेंगे फ्रंट में, थोड़ी सी खंडेरते हुए, जैसे थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी अलग अलग सी दिखाई दे, ऐसी प्लेटें हम यहाँ डालेंगे। तो मेरा उल्टा हाथ जो काम नहीं करता, उसे मैंने पहले डाली थी, वो मेरे को नहीं अच्छी लगी, इसलिए मैंने सीधे हाथ से प्लेट डाल ली है। और अब देखो, प्लेट कितनी अच्छी जम गई है। बट ये प्लेट हमें इतने अच्छे से नहीं जमानी, हमें अलग अलग से थोड़ी सी फ्लोर की प्लेट से आगे लगानी है, आगे पीछे करते हुए हम प्लेटों को।
लगा लेंगे। और प्लेट्स का खुला मुंह हमें किधर रखना है ये मैं आपको बताती हूँ कि हमें जब रजवाड़ा स्टाइल में हम साड़ी पहनते हैं तो हमें प्लेटों का खुला मुंह सीधे हाथ की तरफ ही रखना होगा। और ये देखो बिल्कुल बिखरी बिखरी सी प्लेट्स हमें लगानी है, बिल्कुल ऊपर नीचे लेवल में करते हुए हमें प्लेट्स नहीं लगानी। और प्लेटों का जो पीछे का हिस्सा है उसको थोड़ा सा उठा देंगे कि प्लेट्स हमारे पैरों में ना दबे। नीचे का जो पीछे का कोना होता है वो प्लेटों का नीचे निकल जाता है, इसलिए हमें पीछे वाला कोना है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना चाहिए। और ये देखिए प्लेट्स बन चुकी हैं। यही हम थोड़ा सा अच्छे से सेट करते हुए इनको टंग कर देंगे। और हमें बिल्कुल ज़्यादा प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जैसे फैली हुई हैं ऐसे ही टंग करेंगे। तो ये मेरी प्लेट्स फाइनली टंग हो चुकी हैं, ये देखिए। ये थोड़ी फाल की साइड से, बॉर्डर की साइड से थोड़ी ज़्यादा उभरी हुई थी, इसलिए मैंने हल्का सा नीचे से पकड़ते हुए प्लेटों को दबा दिया। बट अगर आपकी साड़ी जैसे जॉर्जेट प्योर या फिर पूनम वगैरह की है तो उनमें प्लेटें दबाने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी उस कपड़े की सॉफ्ट कपड़ा होता है तो उसकी ऑटोमेटिकली ही प्लेट जम जाती हैं और उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें उन्हें पकड़ के सेट करना होता है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। और यहाँ तक पीछे तक हमने अच्छे से कपड़े को साड़ी को सेट कर दिया है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको। और अब ये कोटा डोरिया की साड़ी है तो ये देखिए बैक साइड में खड़ी खड़ी सी रहेगी, इसको टंग करते हुए जितनी आवश्यकता है, और पीछे की साइड ओपन रहेगा। ये देखो मैंने टांग दिया है और जो पीछे की साइड है वो ओपन ही रहेगी, क्योंकि इन साड़ियों में जो अगर हम ये अगर हम सर पर पल्लू रखेंगे तो ये इसको उठाते हुए सर पर रखेंगे, इसलिए ये ओपन रहता है। और ये देखिए बैक साइड, अब हम साड़ी वेयर कर रहे हैं रजवाड़ा स्टाइल। तो इसमें जो आगे का पल्लू है उसमें नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लेकर, ये यहाँ से मैंने पिन सिक्योर कर रखी है, इसको खोल दूँगी और जो आगे की जो सबसे नीचे की लेयर है उसको हम बैक साइड में ले जाते हुए घुमाकर साइड में टंग कर लेंगे। तो पल्लू को थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा पल्लू है इसमें, तो थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर देंगे क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है ना, इसलिए अगर सॉफ्ट कपड़ा होता तो इसी में सेट हो जाता। इसको हम ऊपर की प्लेट्स ऐसे रहेंगी और नीचे वाले पल्लू को पकड़ते हुए हम इसको बैक साइड में लेके जाएंगे। तो उस कॉर्नर को हम यहाँ ये देखो खींचते हुए और कॉर्नर को हम इधर टंग कर देंगे या पिन की सहायता सिक्योर कर देंगे, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये देखो ये हो गई हमारी राजस्थान में जो रजवाड़ा स्टाइल साड़ी पहनते हैं वही है ये। और ये जितना आपका अच्छा लगे उतना ही आप आगे ही साइड कर रख सकते हो, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगता है मैंने इतना ही किया है। और ये देखिए ये बिल्कुल साड़ी का फाइनल लुक। और कैसा लगा आपको लुक, अगर साड़ी पहनने का रजवाड़ी स्टाइल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को प्लीज़ पूरी वॉच करें, और वॉच करने के बाद कमेंट्स ज़रूर करें वीडियो कैसी लगी। आखिर आपने फाइनली लुक मेरा देख लिया होगा कि कैसी लगी, और ये भी बताना कि आगे आपको कौन सी साड़ी स्टाइल चाहिए, और कौन सी अब तक जो मैंने वीडियो डाली है उनमें से कौन सी साड़ी स्टाइल सबसे बेस्ट लगी है। तो जी ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वियर हो चुकी है, ये देखिए। और बिल्कुल हल्का कपड़ा है, हमें पता भी नहीं है कि साड़ी हमने पहन ली है, बिल्कुल ऐसी लग रही है हल्का फुल्का कपड़ा है, हम कहीं भी वेयर कर सकते हैं, सफ़र में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।